नमस्कार दोस्तों, दो वीडियो के बीच में मास्किंग के द्वारा ट्रांजिशन कैसे ऐड कर सकते हैं इसके बारे में आज देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मेरे पास दो वीडियो क्लिप है, यह पहली वाली और ये दूसरी वाली। इस दोनों वीडियो क्लिप के बीच में मास्किंग के द्वारा ट्रांजिशन ऐड करना है। पहली वाली वीडियो को वीडियो ट्रैक 2 पे रखेंगे और दूसरी वाली वीडियो को वीडियो ट्रैक 1 पे रखेंगे। अब मास्किंग कहाँ से शुरू करना है यह देखेंगे। यह पहली वाली वीडियो में यह पिलर पूरी स्क्रीन को कवर कर रहा है, तो इस पिलर के बाद से हम मास्किंग शुरू करेंगे। अब पहली वाली वीडियो में जहाँ से ट्रांजिशन इफेक्ट शुरू करनी है उस पॉइंट पर जाएंगे। यहाँ पर अब मैं इसका स्केल छोटा करूँगा 25%। अब पहली वाली वीडियो को सिलेक्ट करके इफेक्ट कंट्रोल में जाऊँगा। यहाँ पे ओपेसिटी में पेन टूल सिलेक्ट करूँगा, उसके बाद यहाँ पे मास्क पथ, मास्क फेदर, मास्क ओपेसिटी और मास्क एक्सपेंशन के एनिमेशन टूगल ऑन करूंगा। अब यहाँ मास्क फेदर की वैल्यू थोड़ी बढ़ाऊंगा ताकि ट्रांजिशन इफेक्ट थोड़ी स्मूथ रहे। अब यहाँ पे पहली वीडियो क्लिप पे पेन टूल से मास्किंग पथ सिलेक्ट करेंगे। इसके लिए पिलर के बाद वाला भाग सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मास्किंग पथ का सिलेक्शन पूरा होते ही हमारे वीडियो का अगला पोर्शन ब्लैंक हो गया है, जबकि हमें पिलर के बाद वाले पोर्शन पे ट्रांजिशन इफेक्ट शुरू करनी है। तो इसे ठीक करने के लिए यहाँ पे इन्वर्टेड सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे फ्रेम बाय फ्रेम आगे बढ़ते हुए मास्क पथ को सिलेक्ट करते जाएंगे। यह एक ही प्रोसेस हमें बार बार रिपीट करनी है और ये तब तक करते रहना है कि जब तक पूरी स्क्रीन कवर ना हो जाए। तो इस प्रोसेस को मैं थोड़ा स्पीड में पूरा करूंगा। अब पहली वाली वीडियो की जिस फ्रेम से मास्किंग की शुरुआत की थी उस फ्रेम पर दूसरी वाली वीडियो का स्टार्टिंग पॉइंट रखेंगे यहाँ पे। और अब वीडियो देखते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।